बजे के करीब की है जी, ब्रह्मगंगा नामक जगह है जी। ब्रह्मगंगा नदी का नाम भी ब्रह्मगंगा ही है। ये 6 बजे के करीब आई, एकदम ही आई सवेरे, बाहर निकले बस। फ्लड जोरों से था, ज़्यादा पानी बहुत ही ज़्यादा था, लकड़ी पत्थर मटेरियल बहुत ज़्यादा आ रहा था उसमें। मेरा बहू और पोता वो भी बह गए उसमें। मैंने कोशिश की पकड़ने की लेकिन नहीं पकड़ पाया। बहुत कम लोग थे जी, गांव के लोग तो मणिकरण से आएंगे, बाद में आएंगे। उस वक्त 2-4 लोग ही थे वह जो वहाँ रहते हैं। हाँ जी, बाकी कोई ज़्यादा नहीं थे। कईयों के घर में भी घुसा हुआ है, बाहर भी काफ़ी एरिया ध्वस्त कर चुका है वो तो, काफ़ी एरिया देखा नहीं जी। जो देखा मैंने बता दिया आपको। अब मेरा तो पहले ही टेंशन में था कि कैसे उनको देखूँ, कहाँ उनको ढूँढूँ। देखो, हम प्रशासन जो हेल्प कर सकता करे, ढूंढे उनको। मैं प्रशासन से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वो मेरी मदद करे, मेरे परिवार को ढूंढने की कोशिश करे। मेरी बहू है, मेरा पोता है, और सर्च ऑपरेशन चलाएं ताकि मुझे उनकी बॉडीज़ मिल जाएं। हम यहाँ पे ये मणिकरण में जो ब्रह्मगंगा नाला है, और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये ब्रह्मगंगा नाला, इसमें सुबह 6 बजे के लगभग 6:10 पे जो यहाँ प्रत्यक्षदर्शी हैं, इन्होंने बताया कि 6:10 पे 6:10 पे आज सुबह यहाँ पे भयंकर बाढ़ आई, और जिसमें कि यहाँ पे बहुत ही दुखद जो है, 4 लोगों का अभी तक सूचना है कि 4 यहाँ से जो है कैजुअलिटीज़ हुई है, जिसमें कि जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से एक माँ और एक बेटा जो था, माँ और उसका बेटा यहीं से अपने घर के बाहर निकलते ही पानी की चपेट में आ गए, और उसके बाद यहाँ पे जो ये पीछे ब्रह्मगंगा का प्रोजेक्ट है, हाइड्रो प्रोजेक्ट, तो इसमें भी जो है एक जो इनका एक वर्कर था वो भी गायब है। उसके साथ में कैंपिंग साइट थी, उसकी संचालक जो है वो एक लेडी है गाज़ियाबाद से, वो भी गायब है। अभी तक ये 4 कैजुअलिटीज़ यहाँ पे रिपोर्ट हुई है, और अभी जो भयंकर रूप, अब तो पानी फिलहाल स्तर यहाँ पे कम हुआ है, लेकिन जो ये पार्वती का भयंकर रूप आप देख रहे हैं, और पिछले दो दिनों से यहाँ पे लगातार बारिश चल रही है। मैं सुबह जल्दी जागा हुआ था, और 6:01 बजे जो ये बाढ़ आई, बाढ़ आने के बाद जो है माँ बेटा जो है नाले को क्रॉस कर रहा था, तो क्रॉस करते वक्त ही वो दोनों पानी में बह गए, और उनके लड़ जो माँ थी, वो माँ का नाम जो है पूनम है, और बेटा जो है निकुंज, तो मेरे सामने ही वो दोनों बह गए। और तो वो जो माँ बेटा वो हो गया, एक ऊपर कैंपिंग की है ये लड़की, और एक डैम साइड से गए हुए, तो बाकी जो है घरों का जो थोड़ा नुकसान हुआ है, मलबा भर गया है, और राशन पानी सब खत्म है। वो तो सब लोग तो डरे हैं, और उसके बाद सब डर के बारे से जो है पहाड़ों के ऊपर भागे, तो कोई तो छत के ऊपर थे, तो कोई इंतज़ार कर रहे थे कि तो थोड़ा पानी कम हो जाए, तो देख रहे तो थोड़े देर बाद पानी कम हो गया। ये 6:01 बजे जो है बाढ़ आई, तो उसके बाद 10 से 15 मिनट के बाद थोड़ा सा कम हुआ था जो नाला जो है, तो उसके बाद आस्ते आस्ते धीरे धीरे जो है कम हुआ, तो लोग अपने आप मतलब निकल गए आज। और के बाढ़ जो बाढ़ बूढ़ का जो है बलवा जो है सारे घरों में घुस गए, और थोड़ा नुकसान भी हो गया है, और पीछे भी नुकसान हुआ है, मतलब घरों के आंगन में भी, मतलब सब मलवा ही मलवा, आप देख रहे होंगे कि ये सब मलवा ही मलवा है।